भारत और पाकिस्तान के बीच झगड़ा होगा तो भारत के समर्थन में या फिर पाकिस्तान के समर्थन में कौन कौन से देश आएंगे, सूची तैयार हो जाती है, एक्सपर्ट्स अनुमान लगाते हैं, आपके भी अपने अनुमान होंगे। सऊदी को लेकर आपका क्या अनुमान है ये आप जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। लेकिन उससे पहले आपको ये खबर जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि भारत की जो मित्रता है इस्लामिक देशों के साथ अब तेज़ी से गहरी हो रही है। ये साझेदारी अब सिर्फ व्यापार तक नहीं, रक्षा तक पहुंच चुकी है। नमस्कार, वंदे भारत, भारत तक देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं सांची त्यागी। भारत और सऊदी की रक्षा टीमों के बीच एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक हुई। दोनों देशों की सेनाएं अब आपसी साझेदारी पर फोकस कर रही हैं। पाकिस्तान के लिए खबर अच्छी नहीं है, लेकिन भारतीय सेना के लिए विस्तार के रूप में एक बड़ी और अहम खबर है। जब हम बात भारतीय सेना की करते हैं तो बड़े पैमाने पर रक्षा क्षेत्र में भारत के विस्तार का जिक्र हो रहा है। आत्मनिर्भर भारत के साथ ही भारत जिस तरीके से विश्व भर की सेनाओं तक पहुंच रही है, उसके बाद पाकिस्तान को जबरदस्त सरदर्द हो रहा है। इस समय सऊदी अरब के साथ भारतीय सेना बड़े पैमाने पर रक्षा साझेदारी को आगे बढ़ाने पर विचार कर रही है। इसे लेकर सऊदी अरब में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। भारत की ओर से एक डेलीगेशन सऊदी अरब भी पहुंचा, जहां पर रक्षा से जुड़े हुए विभिन्न पहलुओं पर दोनों देशों के बीच बात हुई और प्रतिबद्धताएं भी जाहिर हुई। भारत और सऊदी अरब की रक्षा सहयोग पर संयुक्त समिति की 6वीं बैठक रियाद में आयोजित हुई। इस दौरान दोनों देशों ने लंबे समय से चले आ रहे बहुआयामी रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए नए रास्ते पर चर्चा की शुरुआत की। महत्वपूर्ण यह है कि बैठक में सैन्य प्रशिक्षण, रक्षा उद्योग, अनुसंधान एवं विकास आदि क्षेत्रों में जुड़ाव और सहयोग के दायरे का विस्तार करने के लिए विस्तृत विचार विमर्श भी किया गया। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि भारत और सऊदी अरब के बीच में सांस्कृतिक और व्यापारिक संबंध काफी पुराने हैं। दोनों देश व्यापार के लिहाज से एक दूसरे के काफी करीब आए हैं। व्यापारिक पहलुओं पर दोनों देशों के बीच कई डील्स भी हुई हैं, लेकिन रक्षा को लेकर डील होना अपने आप में महत्वपूर्ण है। ये भी पिछले कई सालों में देखा गया है कि किस तरीके से सऊदी अरब की सेना भारत आकर कई तरीके की वॉर एक्सरसाइज में यानी युद्ध अभ्यासों में हिस्सा लेती है। ऐसा ही भारत भी करता है। भारत की तरफ से भी सैन्य प्रशिक्षण होते हैं और इसके साथ ही सेना के जवान वहां जाकर एक्सरसाइज भी करते हैं। लेकिन अब ये सिलसिला सिर्फ युद्ध अभ्यासों तक सीमित नहीं रहेगा, इसका दायरा अब बढ़ाया जा रहा है। सऊदी और भारत की सेना अब मिलकर विभिन्न पहलुओं पर काम करेंगे। बैठक के दौरान दोनों देशों के अधिकारियों ने रक्षा संबंधों की व्यापक समीक्षा की है। बैठक में सैन्य सहयोग, संयुक्त अभ्यास, विशेषज्ञों का आदान प्रदान, यहाँ तक कि प्रशिक्षण कार्यक्रम और औद्योगिक सहयोग जैसे विषयों पर भी चर्चा की है। रियाद में हुई बातचीत के दौरान दोनों देशों के सैन्य संबंधों को और मजबूत करने को लेकर प्रतिबद्धता भी जाहिर की गई। फिलहाल सऊदी और भारत जिस तरीके से एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, हर मोर्चे पर सऊदी और भारत का करीब आना पाकिस्तान के लिए मुसीबत भरा है। वो भी तब जब पाकिस्तान के साथ सऊदी अरब का रिश्ता अब सिर्फ कर्ज लेने और कर्ज चुकाने तक सीमित हो गया है। आपको क्या लगता है कॉमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद।